भाई आज हमारे शो में वो सुपरस्टार आए हैं जिन्हें कोई भी नहीं जानता। आई एम से ये वो है जिन्हें कौन नहीं जानता। और ये मजाक कर रहा था, आप मेरे बड़े भाई हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आई एम योर बिग फैन। और अब इनकी फिल्म आ रही है भूमि। गुंजन की हालचाल, मम्मी कितने दिन? वो जी मम्मी अंदर तैयार हो रहे हैं, आप भी अंदर चले जाओ। ठीक। तो चल भाई, आपकी जर्नी जो रही है एज एन एक्टर वो बहुत ही बेहतरीन रही है, लेकिन मुझे ऐसा लगा एक इम्पोर्टेंट माइलस्टोन जो था आपकी लाइफ का वो था रामलीला। तुसी थिएटर ते बनते हो रामलीला कर दो किथे जानी चौकी या जनकपुरी वाली रामलीला ते केड़ा रोल? बोले आप पहले चांदनी चौक से बाहर निकलो तब आपको पता चलेगा कि एक फिल्म है रामलीला। बुआ जी, रामलीला सजीव लीला बंसाली ने डायरेक्ट करी थी, रणवीर सिंह, दीपिका पादुकोण, शरद केलकर, कवाल कर रही हैं आप यार। मिस हो गई होनी कोई कहानी कर। तो रामलीला, और फिर मुझे ऐसा लगा कि जो आपका करियर डिफाइनिंग मोमेंट मेरी नजर में वो रहा है बाहुबली। बाहुबली जी, मैं तो दो तीन बारी देखी, मैं तो थानू बचा नहीं पाई केड़े पार्ट सिवानिया 2। अरे रुको, एक मिनट, मैं दोनों ही पार्ट्स में, देखिए मैं ऑन स्क्रीन नहीं था, मैं ऑफ स्क्रीन था। जो आपको बाहुबली की जो आवाज है, प्रभास की जो आवाज है, वो आवाज मैंने दी है हिंदी में। अरे इनकी आवाज की वजह से फिल्म ने 1500 करोड़ कमा लिए। आवाज देकर 1500 करोड़ रुपया मिलता है? अरे नहीं, मुझे नहीं मिले 1500 करोड़ रुपए, ये फिल्म ने कमाए। देखिए मुझे बोला भी नहीं जा रहा 1500 करोड़ का मतलब। जी मेरा नाम शरद केलकर। अच्छा अच्छा, सलाम जी। सला पेंजी में उत्रेजा पेंजी की कार है, छुट्टी चलती पई है। कोई शरद केलकर, कोई शरद केलकर आया हुआ है, मैं पहचान ही नहीं पा रही। ओ हां ठीक है, कोई मैंने मालूम ही नहीं सी तुसी इतने बड़े स्टार हो गए, तुसी उस सिद्धू सीरियल च आ रहे सी, मैं हुन पहचान लेता मैं थाडी इतनी बड़ी फैन सी। तुसी एक्टिंग छोड़ दी है, आजकल दिसते ही नहीं पैकी टीवी पे। गली मोहल्ले के बच्चे पहचान लेते हैं। संजय दत्त नु फोन करो, संजय लीला बंसाली नु फोन करो, बच्चे नु काम दिलाओ, इन्हां दा वड्डा भरा आ गया एक्टिंग करके दिखा, ऐ ना इन्नी चंगी होस्टिंग करदा, मैं शरद तैनू की दसा, बाय गॉड। ओह ना पिछले साल ना खन्ना पेंडी दी सास मार गई सी ना, पंडित नहीं आया ते इन्नी की होस्टिंग कीती, चौथे ते रौनक लगा दित्ती, करके दिखा ना, ऐ ते साडे मोहल्ले दा आयुष्मान खुराना हो गया। बुआ जी आप बस करें, हम काम कर लिए, आप तेरे काम करा तो भाई। शरद भाई आप इंडस्ट्री के उन वर्सेटाइल एक्टर्स में से हैं जो कोई भी रोल करे उसमें सुपर हिट है। आप पॉजिटिव करते हैं, आप इतने अच्छे दिखते हैं, अब आप जो है विलन का रोल कर रहे हैं, इतना बेहतरीन कर रहे हैं। मैं तो कहूंगा कि गब्बर के बाद भूमि आपको बहुत डर लगेगा। बाद में कर लेंगे आराम से, जब मेरी फिल्म आ रही है भूमि 22 सितंबर को और पूरे इंडिया पूरे वर्ल्ड में रिलीज हो रही है, आप लोग प्लीज जाके देखिएगा भूमि, स्टारिंग संजय दत्त, डायरेक्टर मोहम्मद कुमार और अदिति राव हैदरी और मैं भी हूं। मैं भी प्रीमियर द पास मैनू लेके चली। वो जी नवरात्रि आप कहां जाओगे प्रीमियर में? तो मैं थोड़ी सारा दिन तक खाले खरगानी मां दे आगे, मां सो जाती है ना रात को, सो जाती है ना, मैं चला। हां ठीक है ठीक है ठीक है, प्लीज मैं काम करता हूं, मैं दो पास भिजवा दूं, वो तो ले आना। सो सॉरी,
अच्छा बाद में करो ठीक चल चल नहीं उसे सुन बैठ 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 रुक जाए प्रसाद लेके जाते मैं बना दूं वापस दोबारा आज ठीक है संजय दत्त आएगा बैठ बैठ हां संजय दत्त आएगा